गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नावा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा तृतीय की आदर्श इंग्लिश रीडर वर्कबुक पढ़ रहे हैं, जिसका लेशन 5, पाठ 5, टॉपिक नंबर मीन्स वचन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है नंबर, जिसका अर्थ वचन होता है, इसको देखने पर हमें पता चलता है कि यह एक संख्यात्मक आधार है। यानी संख्या के आधार पर हम तुलना करेंगे कि वह उसकी संख्या कितनी है, एक है या अनेक है। इस आधार पर हम आज अपना टॉपिक प्रारंभ करेंगे, नंबर वचन। तो सबसे पहले वचन कहते किसे हैं? वचन जिससे हमें किसी वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। काउंट्स ऑफ नंबर, संख्या की गिनती, यानी व्यक्ति वस्तु की व्यक्ति की गिनती है वह वचन कहलाती है। अब हम बात करते हैं नंबर वचन के प्रकार। तो सबसे पहले काइंड्स मतलब प्रकार। तो हम वचन को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, जिसे हम कहते हैं एक वचन, मतलब वन, एक वस्तु होना, संख्यात्मक रूप से एक होना, वह सिंगुलर नंबर एक वचन कहलाता है। सेकेंड प्लूरल नंबर, बहुवचन, मोर देन वन, एक से अधिक, यानी कोई व्यक्ति वस्तु एक से अधिक हो तो वह बहुवचन कहलाता है। नॉट, सभी नाउन सिंगुलर तो होते ही हैं, यानी जितने भी नाउन हमने पढ़े हैं वह सभी सिंगुलर तो होते ही हैं, किंतु उनमें से जिनको गिना जा सकता है उनका प्लूरल यानी उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी जिनको हम गिन सकते हैं उन सभी नाउन्स का, उन सभी संज्ञा शब्दों का हम बहुवचन बना सकते हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाना, हाउ टू मेक प्लूरल नंबर, बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो हम इस कक्षा में दो प्रकार के नियम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रूल, फर्स्ट पहला नियम है, ऐसे सिंगुलर नाउन, ऐसे संज्ञा एक वचन संज्ञा शब्द जिनके पीछे एस जोड़ने पर वह शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, सी ओ डब्लू काउ, काउ में हम एस जोड़ेंगे, काउज, काउ का हिंदी अर्थ गाय, तो इसका बहुवचन हो जाएगा गायें, सी ओ डब्ल्यू एस, काउज यानी गायें। इसी प्रकार चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर मीन्स कुर्सी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा सी एच ए आई आर एस, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, तो ये इसका बहुवचन है। इसी प्रकार जी आई आर एल, ग्रल, ग्रल मीन्स लड़की, जी आई आर एल एस, ग्रल्स, ग्रल्स मीन्स लड़कियाँ, एस जोड़ने पर ये सभी संज्ञा शब्द है वो बहुवचन बन जाते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक, मतलब अनेक। रूल सेकंड, नियम दो, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ऐसे संज्ञा शब्द एक वचन जिनके अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस हो तो
ऐसे शब्दों में ईएस जोड़ने पर वह बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल, तो उदाहरण में देखते हैं बी यू एस एच बुश। हमने नियम में पढ़ा कि वर्ड के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस, तो बी यू एस एच में एस एच आया है तो इसका बहुवचन ई एस जोड़ने पर बनेगा। तो हम बी यू एस एच के बी यू एस एच ई एस बुसेज मीन्स झाड़ियाँ। इसी प्रकार बी ई एन सी एच बेंच, बेंच का बहुवचन हो जाएगा बी ई एन सी एच ई एस, ई एस जुड़ने पर यह बहुवचन बन जाएगा। तीसरा उदाहरण एम ए एन जी ओ मैंगो, तो इसमें ओ शब्द आया है, ओ के कारण इसमें ई एस जुड़ जाने पर यह बहुवचन बन जाएगा एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज, बहुत से आम। अगला है बी ओ एक्स, तो इसमें एक्स आया है, एक्स लेटर है, तो बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेज मीन्स संदूकें। इसी प्रकार सी एल ए डबल एस क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा सी एल ए डबल एस ई एस क्लासेज मीन्स कक्षाएं। इसी प्रकार बी यू एस बस, बस का प्लूरल हो जाएगा बी यू एस ई एस बसेज मीन्स बसें। इस प्रकार हमने नियम एक व नियम दो को पढ़ा। अब इसमें कुछ याद करने योग्य कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका एस और ई एस नहीं लगने पर भी उनके बहुवचन बनते हैं। उनके ऐसे संज्ञा शब्द कौन से हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है एम ए एन मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा एम ई एन मैन। इसमें जो वोवल्स है उस वोवल्स को चेंज किया है, ए के स्थान पर ई, मैन आदमी अनेक। इसी प्रकार वुमेन डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन, वुमेन का अर्थ होता है औरत, यहाँ पर भी डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन, वुमेन का अर्थ औरतें। ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स यानी बैल का ओ एक्स ई एन ऑक्शन, बहुत से बैल। ये ऐसे हैं जिन पर नियम काम नहीं करता, ऐसे शब्द का भी बहुवचन बनता है। अब इसी के आधार पर हम इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज पाँच, एक्सरसाइज पाँच में सबसे पहला क्वेश्चन ए, एस जोड़कर अर्थ लिखिए। जैसे इसमें पहला हल किया हुआ था ई वाई ई, आई का अर्थ होता है आँख, तो इसमें एस जोड़ने पर यह शब्द बहुवचन बन जाएगा ई वाई ई एस आईज मीन्स आँखें। इसी प्रकार शेष जो हमें चार उदाहरण दिए हुए हैं, इनको एस जोड़कर इनका बहुवचन हमें बनाते हुए इनका हिंदी अर्थ भी लिखना है। जैसे रेट, रेट का अर्थ चूहा, रेट्स चूहे। सिस्टर, सिस्टर का अर्थ बहन, तो सिस्टर्स बहने। बॉय का अर्थ लड़का, बॉयज लड़के। ऑरेंज यानी संतरा, ऑरेंजेस संतरे। क्वेश्चन बी, ई एस जोड़कर अर्थ लिखिए, ऐसे शब्दों में ई एस जोड़कर उनका बहुवचन हमें बनाकर लिखना है। तो बी यू एस बस, बस में ई एस जोड़ने पर बसेज बी यू एस ई एस बसेज का अर्थ बसें। सेकंड फॉक्स, फॉक्स का अर्थ लोमड़ा, तो फॉक्सेज लोमड़े।
टमेटो टमाटर, तो टमेटोज टमाटर अनेक। डिश थाली डिशेज थालियाँ। क्वेश्चन सी, यूज एस और ईएस टू मेक प्लूरल, एस और ईएस जोड़कर बहुवचन बनाओ। पहला उदाहरण दिया हुआ है जी एल ए डबल एस प्लस ई एस, ई एस जोड़ने पर यह शब्द बना ग्लासेज, अनेक ग्लास। सेकेंड बॉल, बॉल में एस जोड़ेंगे बॉल्स अनेक गेंद। पटेटो, पटेटो में ई एस जोड़ेंगे पटेटोज, पटेटो का अर्थ आलू, तो अनेक आलू। लॉइन में एस जोड़ेंगे लॉइन का अर्थ शेर, लॉइनेज लॉइन्स सॉरी लॉइन्स यानी अनेक शेर। कैच, कैच में ई एस जोड़ेंगे तो कैचेज। क्वेश्चन डी, प्लूरल शब्द दिए हुए हैं उनका अर्थ लिखना है और उनका सिंगुलर भी बनाना है। प्लूरल वर्ड दिए हुए हैं अपने को, तो प्लूरल में पहला है हैंस, एच ई एन एस, हैंस मीन्स मुर्गियाँ, तो इसका सिंगुलर होगा, एस हट जाएगा इसमें से, तो एच ई एन हैन, हैन यानी मुर्गी। ऑक्शन बेल अनेक, इसमें से ई एन हट जाएगा, ऑक्स ऑक्स यानी बैल। ए डबल एस एस, एस एज मीन्स गधे, तो ए डबल एस एस, एस यानी गधा। सी ए टी एस कैट्स, कैट्स मीन्स बिल्लियाँ, तो सी ए टी केट, केट यानी बिल्ली। एम ई एन मैन आदमी अनेक, एम ए एन मैन मीन्स आदमी। इस प्रकार हमने आज जो अपना टॉपिक नंबर वचन पढ़ा है, इसके नियम एक और दो और प्लस साथ में याद करने योग्य अपवाद के शब्द, इनके आधार पर आधारित एक्सरसाइज पाँच को हल किया है। हमें इस कार्य को अपनी नोटबुक में करना है और इनको याद भी करना है। इसमें जो भी वर्ड्स शब्द आए हैं इनको भी हमें स्पेलिंग के आधार पर उनको याद करना चाहिए, जिससे कि हमारा शब्दकोश भी बढ़ेगा। धन्यवाद।